सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a program! Agarwal Samaj hamesha parsar ke paisa leta hai, ye prabhu ki kripa hai, aur chahe alakshan ho ya dharmik samaj ho, या सेवा का भाव हो, या कहीं किसी प्रकार की दुखता कहीं किसी परिवार के अलावा भी आ जाए, जहां अग्रवाल समाज खड़ा हो जाता है वहां किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं दिखाई देती। मुझे याद है तो हम लोग सभी उसके चंदा इकट्ठा करने के लिए रोड पर निकले और वास्तव में हमें लोगों को दान पैसा देने वाले को मने करना पड़ा गया और हमें इस चीज की जरूरत नहीं। समाज के अगर 100 लोग 30 में 50 और 1 में खड़े होकर काम करना शुरू करते तो समाज में आगे दिखा देता है और उसको लगता है कि कोई समाज काम कर रहा है। आज जितनी भी आप लोगों की तालियों की जरूर अभी आशा रखूंगी। सचिन भाई आप भी कृपया कर आए और आपका भी मैं मान कराना चाहती हूँ। आप आए अनिल गुप्ता जी, आप भी आए भैया।
लेकिन और जिनके अभी उत्साह में और जिनके निमंत्रण में हम आए निगम जी, हमारे जोन के चेयरमैन प्रमोद जी, यहाँ के पार्षद सचिन जी, सभी मंच पे हमारे अग्र बंधुओं, मातृशक्ति, हमें ये गर्व है कि हम अभिषेक जी महाराज के हम बंधक हैं, हम उनके पीढ़ी को आगे चलाने वाले हैं। और इस क्षेत्र में हम ये जयंती मना रहे हैं, आज उनकी जयंती है, जन्मदिवस है। 3000 से भी ज्यादा वर्ष पूर्व जो ये शुरू हुआ था, आज हम उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए पूरे विश्व में हमारा समाज पैदा हुआ। हमारी कुलदेवी महालक्ष्मी, जिनकी कृपा हमें पर सदैव रहती है, कोई भी उम्र अग्र बंधु को हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो हाथ फैलाता हुआ मिले, क्योंकि ऐसा देवी माता की कृपा हमारे ऊपर है कि हमारा हाथ हमेशा धैर्य में रहता है और यही कृपा हम सब पे बनी रहे। और मुझे फिर आपकी, मुझे बहन जी का फोन आया, नीलम जी का, कल साइन करने से मना रहे हैं, तो आपने जरूर आना है। और जिस उत्साह से नई पीढ़ी ये कार्य कर रही है, युवा अभी हमारे एक साथी था जो सब काम में लगा हुआ था, इस क्षेत्र में आगे भी हम ये कार्यक्रम करें, पठन लगाते तो जो ऐसे जयंती मान रहे हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, आप सबको पुनः बधाई, नवरात्रि की शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे ज्यादा मेहनत हमारे बहन नीलम गुप्ता जी ने, उससे ज्यादा मेहनत करना दिनेश जी हमारे चुनाव में से था, घर घर हम जाते थे, बहन जी हम सब घर जाकर माता और बहनों को समझाना कि हमारे पक्ष में वोट करें, सब करें, तो एक बहुत बड़ा रोल है बहन जी का। आज अगर मैं यहाँ पार्षद बन के कराऊ तो उसमें बहुत ही मजबूत कड़ी के रूप में बहन जी ने काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आपके भारतीय बंगाल संगठन दिल्ली प्रदेश का मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आपने यहाँ मुझे बुलाया और जो बात का पास किया उसके बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहां अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2230-6292-2239-2314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी,
NSS, योगा कंप्यूटर शिक्षा पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com। धार को ने पुत्र की भी बलि चढ़ा, पन्ना धार को हम इसीलिए याद कर रहे हैं, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने वाली विश्व में पहली महिला है जिसने अपने सामने कतल होते हुए अपने हाथ से और तलवार के सामने रख दिया। तो ऐसी नारियों का हमें सम्मान करते हुए मैं चार पंक्तियां नारियों के लिए कह रहा हूं कि कर दिखाया सिद्ध तुमने, बात यह बिल्कुल सही है, हर पुरुष के भाग्य की भूमिका नारी रही है। एक फोटो खिंचाने या फोटो खिंचाने का भी एक अभिप्राय रहता है, तो ये एक क्रिया है। अग्रवाल का है, मगर वैश्य समाज के सभी लोग जो अग्रवाल हैं, संत,
कंसल बंसल जिंगल गुप्ता मोहर वैश्य सभी यहाँ पर आए और सभी ने इस प्रोग्राम को बहुत सहारे दिए। यह प्रोग्राम कहना है इस वार्ड में या इस पूरी विधानसभा में कहो तो ये पहला प्रोग्राम है जो इन बच्चों ने हाँ किया है। बच्चों ने बड़ों के बड़ों ने किया प्रोग्राम तो भाई बच्चों प्रोग्राम किया है युवा बात वो बहाना है सब कि बहाना है कि युवा ने किया है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या सब आप बड़ों ने ऐसा है। देखिए बच्चों को आगे बड़े ही बढ़ाते हैं मगर क्या है कि नाम उनका मिले तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और कोई भी कार्य बहुत प्रोत्साहित और उत्साह से करते हैं क्योंकि अगर हम उनको किसी भी काम में बोले कि आपने नहीं हमने किया तो उनका उत्साह शून्य होता है। मुझे उनका उत्साह बढ़ाना है घटाना नहीं। आपने नेता को इनवाइट किया देखने आया है कि नेता आते हैं आते ही भाग जाते हैं प्रोग्राम को बुला लेते हैं क्या ठीक है। नहीं मैंने नेताओं को नहीं इनवाइट किया मैंने समुदाय के लोगों को इनवाइट किया टैलेंट का। और दूसरी बात निगम पार्षद है वो तो समुदाय से नहीं है वो तो ब्राह्मण समुदाय से मगर हमने आप कैसे कहते हैं कि समुदाय के वो। आपने एक कहानी सुनी होगी कि ब्राह्मण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। हम सर्वोपरि गणेश जी को पूजन करते हैं उनके बाद ब्राह्मण को बिठाते हैं और गणेश जी से मिलाने वाला कौन होता है ब्राह्मण। तो हमने उनको ब्राह्मण इस तौर पर बुलाया था इसलिए नहीं बुलाया था कि वो हमारे समुदाय के कार्य में कोई बाधा हो हमारे कार्य को और ज्यादा प्रोत्साहन से आगे बढ़ाए उसके हमने उनको बुलाया था। और दूसरी बात हम उनको धन्यवाद देना चाहते थे समुदाय भवन हमें ये जो ओल्डेज होम उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। क्या वजह की आप बात बनाने पर किए गए हैं बात वो घुमा देती है सामने वाले को समझती कुछ नहीं है अपनी अपनी बात कहती है कहाँ से सीखी पसंद बातें आपने। नहीं भाई सर मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ सामने वाला क्या सोचता है वो मुझे नहीं पता बातें कहीं से नहीं सीखी मैंने तो आपसे सीखी है। आज बच्चों ने क्या महसूस किया आज बच्चों ने प्रोग्राम किया क्या महसूस किया बच्चों ने ये तो बच्चे ही बताएंगे आप बताइए ना आपने गाइडेंस तो आपकी थी जो बच्चे आते हैं आपसे पूछते क्या करना है जी क्या करना है। नहीं ये बात सही है देखिए बच्चों ने बहुत मेहनत की सुबह से लगे हैं खाली पेट हैं आपने देखा होगा सबकी सेवा कर रहे हैं अपनी सेवा नहीं कर रहे जो आया है उसको पानी जल पान से लेके एक एक चीज की हमारी जो एक देह अतिथि देव भाव उसको हमने चिड़ किया है कि हम किसी को भी बुलाए मगर इस तरीके से बुलाए कि वो कुछ ना जाकर ये तो कहे वहाँ हमारा मान सम्मान बहुत अच्छा हुआ यही हमारा एक ध्येय था। क्या वजह आप बच्चों के बहाने से आगे बढ़ना चाहती हैं क्या वजह है आप खुद क्यों नहीं अपने नाम से अपने काम से आगे बढ़ना चाहती हैं। आप ना सिर्फ भूल रहे हैं मैंने हर जगह पे मुझे सिंगल बोला है मैंने कहीं नीलम गुप्ता का नाम नहीं लिया मैंने बोला मुझे भाई आप आए उनका सम्मान कहके आपको सम्मान किया जो भी यहाँ नेता बैठा जो भी सज्जन आया थी सब ने आपको नाम लिया उनके आपके बेटे को जानते ही मेरे को कौन है कौन नहीं बोले ऐसा है। देखिए बीच की माध्यम जो होता है उसको सब जानते हैं ये बच्चे मुझे जानते हैं वो नेता मुझे जानते हैं आपकी चुनाव में तैयारी स्टार्ट होगी राजनीति की। देखिए भाई साहब आप जो मर्जी कह सकते हैं क्योंकि आप मीडिया में मैं बेचारी एक साधारण इंसान जो कुछ नहीं जानती बस ये जानती हूँ कि अपने प्रोग्राम को कैसे सक्सेस करना है। आपने एंकिंग बहुत सीखी कहानी सीखी आपने एंकिंग मैं कम देखा है कि इतनी अच्छी एंकिंग आप कर सकती हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों का मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए सपोर्ट तो मेरे पास सबका सपोर्ट की कमी नहीं बस गाइडेंस की कभी कभी कमी रह जाती है जी हकला जाती है फुकला जाती है टंका जाती है कभी कभी लोगों को कितनी घबराहट हो जाती है बस वो कुछ नहीं। आपने ड्यूटी ढंग से निभाई पर ढंग से नहीं निभाई ये मैं मानती हूँ ऐसा है हमारे भाई यहाँ खड़ा है आप भाग घूम रही हैं यदि वही ड्यूटी किसी और की फिट करती तो क्या बढ़िया नहीं होता वो ऐसा आप जो गेस्ट आए हैं आप घूम रहे हैं आवाज दे रहे हैं भाई साहब इसकी मैं गलती मानती हूँ। और एक बात दूसरी ये भी कि निभाई और नहीं निभाई अब जैसे हमारे भाई साहब हैं वो मुझे नहीं जानते हैं वो तो जानते हैं मगर उनको ये पता है कि नीलम गुप्ता होस्ट कर रही है प्रोग्राम कोई भी हो समुदाय हम यहाँ पे समुदाय को लेके नहीं चलते थे हमारा एक मानना था कि हर समुदाय में कहीं अच्छी बात होती है कहीं गलत बातें होती है अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं हमें अपने बच्चों की तरफ अग्रसर होना चाहिए हमारे
समुदाय में अगर बेटियों की कमियां हो रही तो क्यों हो, मतलब हम इन बातों में पढ़ना नहीं चाह रहे, मगर एक बात रखना भी चाह रहे हैं कि हमारी बेटियां जब जज हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं या बड़े रैंक पे ऑफिसर्स हैं, तो फिर हम क्यों अपनी सोच को समुचित कर रहे हैं। हमारा एक यही ये था, दूसरा ये था कि हम आस पास रहते मगर हमारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, उसको जोड़ना था। तीसरा ये कि हम अपनी शक्ति भूल गए, हम दूसरों को बोलते हैं कि वो शक्तिशाली है, वो महान है, हम भी महान हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वही एक सा दिखाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। यही एक उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं है। रही बात राजनीति की, वो तो देखा जाएगा जब होगा तब होगा। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2221-0638-2122-0639-8107-21848-9818-71052। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपके बाद @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.dillyapm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।